तो वेल एपिसोड की शुरुआत में युमी को दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें यासुमी एंड यूही की वो रेडियो स्टेशन वाली कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जिसे एक लेडी सुन रही होती है और साथ में वो लंच भी बना रही होती है। असल में ये युमी को की मॉम होती है एंड फिर ये सुनते हुए लंच करने वाली होती है, तभी यहाँ पर युमी को आती है और ये दोनों ही साथ में बैठे बैठे इस रेडियो शो को सुनते हैं और लंच करते हैं। तभी इसकी मॉम हंसती है और युमी को कहती है, क्या इतना डिलीशियस है कि आप इससे हंस सकती है। जिसके बाद ओपनिंग आता है और इसके बाद हम देखते हैं कि युमी को कहती है, क्या सच में आप अपनी डॉटर का रेडियो शो नहीं देखेंगी, और जब भी आप ऐसे एक्ट करती हो तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इसकी मॉम कहती है, सॉरी बेटा, लेकिन मैं अपने आप की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। युमी को कहती है, वैसे मॉम आपका काम कैसा चल रहा है। और इसकी मॉम कहती है कि कल भी वो जगह एकदम फुल थी एंड वहाँ पर मुझे अपनी ड्रिंक्स को किसी और को देना पड़ा था। क्या तुम्हें यागाकुची याद है? और युमी को कहती है कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का एडवांटेज लेना बंद करना चाहिए एंड वैसे भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगी तो फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ सकती हूँ। एंड इसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना चाहिए। वैसे हाँ, मेरे यहाँ के कस्टमर एंड स्टाफ तुमसे मिलना चाहते हैं। युमी को कहती है, ठीक है ठीक है। वैसे मेरी मॉम ने मुझे कभी भी वॉइस एक्टिंग करने से नहीं रोका है। उन्होंने कहा है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी लाइफ जी सकती हूँ। जिसके बाद इसकी मॉम यूही की बात करती है वो कन्वर्सेशन वाली। रेडियो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यासुमी कहती है कि वो कोई से शॉप पर क्रोकर्स खरीदने जाना चाहती है, जो सुनकर यूही का फेस रेड हो जाता है एंड वो कहती है, क्या तुम जोक कर रही हो मेरे साथ एंड तुम किसी स्पेसिफिक शॉप पर ये लेने जाना चाहती हो। यासुमी कहती है, ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ, जो सुनकर ये कांपने लगती है एंड फिर यहाँ पर यासुमी इसका मजाक उड़ाती है और कहती है, चलो स्कूल के बाद जाते हैं। वही कहती है, क्या वो लोग सच में उसे सेल कर रहे हैं एंड तुम्हें क्रोकर्स क्यों चाहिए। एंड यासुमी कहती है, कहूँ तो मुझे इसके जवाब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी के साथ ये शो ख़त्म होता है, जिसके बाद वतानाबे गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर तुम वियर्डली चीज़ें मेरे साथ करके क्या मुझे सुपीरियर बनाना चाहती हो। इस चीज़ में बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुम किसी को मॉक करोगी जिसे इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मीको कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो एंड किसकी बात कर रही हो। असाका कहती है, शायद से ये क्रॉकर्स की बात कर रही है। वतानाबे कहती है, मेरा मतलब कि इस काफ़ी वियर्ड है कि बचर की शॉप वाले किसी फ्राइड फूड को सेल कर रहे हैं, और मुझे पर लगता है तब तक हमारे किसी ऑडियंस को भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। युमी को इन लोगों से कहती है कि हे गाइस, तुम लोगों को इसके बारे में पता है। और ये सारे कहते हैं कि ये चीज़ काफ़ी यूजुअल है, जिसकी वजह से अपनी वतानाबे का फेस एकदम रेड हो जाता है और युमी को फिर से इसका मजाक उड़ाने लगती है। वतानाबे कहती है, शो ख़त्म हो गया है और मैं घर पे जा रही हूँ। जिसके बाद ये सारी बातें अपनी युमी को अपने मॉम को बता रही होती है। इसकी मॉम कहती है, क्या शो चल नहीं रहा है? तुम चाहो तो मैं लेटर भेज सकती हूँ। एंड युमी को कहती है, नहीं मॉम, प्लीज़ मत करना। एंड जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है, और यहाँ पर वतानाबे बताती है कि वो उस शॉप पर जा रही है क्रिकर्स को ख़रीदने के लिए। एंड अपनी युमी को कहती है कि मैं इसके बारे में सीरियस नहीं थी, मैंने तो यूँ ही कहा था। और वतानाबे कहती है कि हम जा रहे हैं क्योंकि हमने शो में इसके बारे में बात करी थी एंड तुमने भी कहा था। हम दोनों अपने काम पर होते हैं तब हम दोनों अपनी यूजुअल सेल्फ से एकदम अलग होते हैं। युमी को कहती है, हाँ एकदम डिफरेंट, जिस पर हम सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं। वतानाबे कहती है, अच्छा झूठ पे झूठ, तो फिर मैं इस झूठ के अमाउंट का रेडियो तुम पर करना चाहती हूँ। युमी को कहती है, तुम्हारे लिए तो एडमायर है। एंड वतानाबे कहती है, नहीं इस पैसे के लिए नहीं। जिसके बाद ये दोनों क्रेकर्स खरीदते हैं और यहाँ पर वतानाबे जब खाती है तो उसे काफ़ी स्वादिष्ट लगता है।
तनाबे कहती है कि वो भी अपने डिनर के लिए ये चीज़ घर पे ले जाना चाहती है और यहाँ पर युमी को पूरे डिनर की बात करती है। तब वतानाबे कहती है क्या सिर्फ यही चीज़ एक डिनर के लिए काफ़ी नहीं है। मिको कहती है हम दोनों डिनर की बात कर रहे हैं तो क्रेकर्स काफ़ी नहीं है। एंड वातानाबे कहती है मेरा मतलब था कि राइस के साथ, जो सुनकर ये थोड़ी शौक होती है। युमी को कहती है अच्छा तुम ऐसे खाती हो इसी वजह से तुम्हारे संतरे बड़े नहीं हो रहे हैं, जो सुनकर यू ही काफ़ी शर्मा जाती है। मिको कहती है इसका मतलब है कि तुम अकेली खाना बनाती हो खुद के लिए। और वतानाबे कहती है कि हाँ मेरी मॉम हमेशा लेट आती है काम से, एंड जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर के साथ मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था। और युमिको कहती है कि मेरी भी सिंगल मॉम है एंड मुझे ही खुद खाना बनाना पड़ता है। फिर वातानाबे कहती है कि अच्छा मैं तो भूल गई, मुझे कुछ पोस्ट करना था वो प्रूफ कि मैं तुम्हारे साथ क्रोकस खरीदने आई थी। एंड फिर ये दोनों फोटो खींचते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। और जिसके बाद युमी को अपनी मैनेजर से मिलती है जो कि इसे बताती है कि एक नया एनिमे आने वाला है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर में तीन बहनें हैं और जिनमें से तीसरी सिस्टर का रोल अपनी युमी को मिला है, जिसका ओपनिंग थीम भी जो मेन कास्ट है वही परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये चीज़ काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाली है। युमी को कहती है वैसे बाकी के दो लोग कौन हैं। एंड फिर मैनेजर बताती है इन कैरेक्टर है साइजो हुरु, उसे उतू में प्ले करने वाली है, जो सुनकर युमी को काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो फिर से उतू में के साथ काम करना चाह रही होती है। एंड वो कहती है दूसरी वाली कौन है। एंड फिर मैनेजर कहती है जो सेकंड सिस्टर है साइजो नात्सु, उसे युगिरे यूही प्ले करने वाली है, जो सुनकर ये थोड़ी सैड होती है। एंड वो कहती है क्या मुझे ये रोल मेरे टैलेंट के दम पर मिला है। मैनेजर कहती है अच्छा तो तुम्हें डाउट है, तुम एंड ओतो में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो आउटसाइड भी, एंड युगिरे एंड यूही एंड तुम दोनों अभी एक रेडियो शो कर रहे हो, सो तुम्हारे फैंस को ये तुम्हारा रिलेशनशिप काफ़ी पसंद आ रहा है। वो लोग तो उन्हें ही चुनेंगे ना जो आइडल वॉइस एक्ट्रेस सेम लेवल पर है, और हाँ तुम्हें उन दोनों के साथ मनी को रन करना होगा। युमी को अपने मन में कहती है क्या मेरे लुक्स काफ़ी नहीं है बस इसी वजह से कि मैं उतुमे की फ्रेंड हूँ, एंड युहिरी के साथ मैं अभी रेडियो शो कर रही हूँ। वैसे कोई बात नहीं, मुझे काफ़ी वक्त के बाद फाइनली बड़ा सा रोल मिला है, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। ना कुछ भी हो काम तो काम होता है। पर मैनेजर कहती है कि जो ओपनिंग सॉन्ग रिलीज है वो ऑलरेडी सेट है, एंड ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। जो ओतोमी के फैंस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही है, और स्टैंड रिकॉर्डिंग की माने तो तुम्हारा इस ग्रुप को ज्वाइन करना तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगा। ये इवेंट अच्छा नहीं गया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, और तुम्हारा जो फोर्थ ईयर है उसमें भी काफ़ी चीज़ें बदल सकती है। अब युमी को कहती है कि तुम तुम्हारे तीन सालों में थोड़ा चीप निब्यू के साथ काम कर सकती हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ अब एक और साल है इसका एडवांटेज लेने का। इसके बाद युमी को एंड वतानाबे मिलते हैं, जहां पर वतानाबे कहती है कि तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म इस संडे को भी क्यों पहन रखा है, और युमी को कहती है कि ये अच्छा इम्प्रेशन बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बात करने जैसा माहौल क्रिएट करेगा। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर अपनी युमी को कोई सा फ़ोटो निकालती है। एंड फिर ये दोनों अंदर जाती है जहाँ पर ऑलरेडी कुछ लड़कियाँ होती है, और ये दोनों साथ में बैठती है। जिसके बाद एक और लड़की आती है जो कि होती है ओतोमे। यासुमी और ओतोमे दोनों ही बात करते हैं, तब अचानक यासुमी कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हो। एंड ओतोमे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आजकल काफ़ी कम सो रही हूँ। यूही भी ओतोमे से बात करने आती है, तब यासुमी कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हमें कहती है अच्छा हमें तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है, लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर काहोरी की यंगर सिस्टर का रोल प्ले करने वाली हूँ। यासुमी कहती है मेरे लिए ये मिक्स फीलिंग है, और यूही कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो या फिर कुछ भी, लेकिन हम दोनों की फीलिंग कभी कभार ही सेम होती है। जिसके बाद इन दोनों की वॉइस एक्टिंग होती है, और जिसके बाद ओतोमे को कहीं और भी जाना होता है, एंड वो यहाँ से चली जाती है। वही कहती है मेरी एक्टिंग कैसी थी, और
यासुमि कहती है कि वो कमाल की थी एंड उसके जैसे मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके जैसे फेक क्राई नहीं कर सकती हूँ, ना ही वतानाबे जैसा। इसी साइको हो गई हूँ जब से मुझे फिर से बड़ा रोल मिला है, लेकिन मेरी एक्टिंग काफ़ी मेड है। यू ही इसकी और अपनी एक्टिंग को याद करती है और कहती है कि मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। यासुमि कहती है क्या कहा, फिर से रिपीट करो। एंड यू ही कहती है मैं ऐसा फिर से नहीं करने वाली हूँ। यासुमि इसकी टांग खींचते हुए कहती है प्लीज़ होनी चाह। एंड फिर जाते हुए कहती है कि मैं वतानाबे को खोना नहीं चाहती हूँ, चाहे फिर मुझे इसके लिए पॉइंटलेस चीज़ें करनी। जिसके बाद इनके शो में हमें बताया जाता है कि जो इन तीनों की जोड़ी है उससे हार्ट टार्क करके बुलाया जाता है, मतलब कि ये नाम दिया गया है। और इनका जो डेब्यूट सॉन्ग है शेकी शेकी लव वो भी रिलीज़ होने वाला है। ये एनिमे टीवी शो के लिए और इनके शो के रिलीज के लिए लोग सीडी भी रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद युमिको कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना परफॉर्म करने से नफरत होती है ना। तानाबे कहती है हाँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तब मुझे ऐसा होता है। और अब मुझे ये इवेंट पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मुझे लोगों के सामने डांसिंग एंड सिंगिंग करनी पड़ेगी। मिको कहती है तुम वही हो ना जो कि अपने काम से नफरत करती हो। यू ही कहती है मैं वो नहीं हूँ। एंड युमिको कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें ये चीज़ें मजाक लगती है? जानती हो कि जो चीज़ें हम करते हैं उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, और लोग भी ये चीज़ें करने के लिए हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। चीज़ें लोगों को फायर्ड अप करती है। मेरे पहले भी कई आइडल थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड अगर तुम ऐसा कहती हो कि वो सारे आइडल्स रियल नहीं है, ताकि मैं तुम्हारे सच में गट से नफरत करूँगी। वतानाबे कहती है सॉरी, वैसे क्या तुम्हें आइडल वॉइस एक्ट्रेस का काम पसंद है? को कहती है इतना ही नहीं, डांसिंग एंड सिंगिंग भी मुझे पसंद है। जिसके बाद ये तीनों ही अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर उतो में नीचे आ रही होती है, तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वो तुम्हें कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन वो अपना पैर नहीं हिला पा रही होती है। और यासुमि कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो तुम्हें कहती है कि मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं, अगर तुम मेरी पोजीशन में होती तब भी तुम छोड़ देती। एंड फिर यासुमि इस बंदे से कहती है क्या वो इस पोजीशन में वहाँ पर जा सकती है? ये बंदा कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ये दोनों रिक्वेस्ट करते हैं और उतो में इन दोनों को थैंक्स करती है। जिसके बाद अपनी यासुमि कहती है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग, और अपनी यूही कहती है कि मुझे पता है उतो में के लिए आए हैं, उसके बिना ही एक ग्रेट परफॉर्मेंस उन लोगों तक डिलीवर करूंगी, मुझे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है एंड तुम भी ऐसा ही फील करती हो। बाद ये तीनों स्टेज पर आते हैं और उतो में इन लोगों से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद ये दोनों कॉन्सर्ट शुरू करते हैं जिसमें ये दोनों सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे होते हैं। और यासुमि कहती है कि हम दोनों ज़रूर से सक्सेस होंगे। जिसके बाद यहाँ पर वतानाबे कह रही होती है कि सॉरी सातो, मैंने तुम्हें इसके अंदर ड्रैग किया, मुझे लगता है कि मैं एम्बेरेसिंग से मर ही जाऊंगी। युमिको कहती है मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी ठीक से कुछ भी नहीं कर पाई। और वतानाबे कहती है मुझे भी, मैं भी नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे ओतो नामे से भी ज़्यादा अच्छा वॉइस एक्ट्रेस बनना है। एंड युमिको कहती है कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करूँगी एंड ओतो नामे को भी सरपास करूँगी, चलो उसे सरपास करते हैं और सारी चीज़ों में अच्छे बनते हैं। फिर ये दोनों कहती है कि हम दोनों ही अपना बेस्ट देंगे। जिसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।